असलम आई होप यूल गुड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल डेंटिकोस टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मैनज आर दवरिंगस ऑफ ब्रेन ब्रेन को हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल से कवर किया था विच इज़ इंट्रोडक्शन टू सी एन एस हमने पढ़ा था कि ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस के अंदर हमारे पास दो चीज़ आती हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉड ठीक है तो ब्रेन को हमने डिटेल में पढ़ लिया था कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन और उनकी कॉम्पोनेंट्स क्या आते हैं तो वो सारी वीडियो आपके पास मौजूद है आज हम कवर करेंगे मैनेंजेस विच आर नोन एज द कवरिंग्स ऑफ द ब्रेन मैनेंजेस बेसिकली हमारे पास क्या है चार होती हैं सॉरी थ्री हैं हमारे पास ड्यूरा मैटर अरेक्नाइट मैटर और पिया मैटर ठीक है देखिए सबसे पहले हमारे पास ब्रेन की क्या होती है स्किन फिर होती है पेलोशियम फिर बोन ड्यूरा मैटर एरेग्नोइड और पियामेटर अब देखें यहां पर हमारे पास क्या है ड्यूरा मैटर आउटर लेयर ऑफ लाइनिंग स्कल, एरेग्नोइड मैटर कंटें्स ब्लड वेजेज़ सब स्पेस के होते हैं फिल्ड विथ सी एस एफ और प्योर मैटर कवर्स ब्रेन ये आपको अच्छे से याद रखना है हमारे पास क्या है कि जो ड्यूरा मैटर होता है वो आउटर लेयर होती है स्कल की एरेक्नोइड मैटर जो है ना उसके अंदर ब्लड वेजेज़ होती है मतलब जितनी भी ब्लड सप्लाई आ रही होगी ब्रेन की वो कहाँ से आती है एरैक्नोइड मैटर से जो सब एरक्नोइड स्पेस है ये हमारे पास एरैक्नोइड मैटर और पिया मैटर इन दोनों के दरमियान का जो ये स्पेस होता है ना इसको हम कहते हैं सब एरक्नॉइड स्पेस और इसके अंदर क्या मौजूद होता है फिल्ड विथ सी एस एफ स्पाइनल फ्लोइड इसके अंदर सी एस एफ भरा हुआ होता है और पिया मैटर क्या होता है पूरे ब्रेन को कवर कर रही होती है तो ये तो थोड़ा सा ओवरव्यू है इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं आगे मैनेजेस सी एन एस इज़ कवर्ड बाई थ्री मैंब्रेन कॉल्ड मैनेजेस विच आर सेपरेटेड बाई टू स्पेसिस अब आपसे कोई अगर डेफिनेशन पूछे तो मैनेजेस का आपने किस तरीके से डिफ़ाइन करना है कि हमारा जो सी एन एस है वो तीन मेब्रेन से कवर हुआ हुआ है जिसको हम मैनेजेस कहते हैं और ये मैनेजेस सेपरेट हो रही होते हैं दो स्पेस से एक है सब ड्यूरल स्पेस और एक है सब एरैक्नोइ स्पेस सब ड्यूरल मीन्स के जो ड्यूरा मैटर है उसके नीचे वाली जो स्पेस होगी वो कहलाएगी सब ड्यूरल स्पेस और जो एरेक्नोइड मैटर के नीचे वाली स्पेस है वो क्या कहलाएगी सब एरेक्नोइड स्पेस मैनेजेस ऑफ ब्रेन आर कंटिन्यूस विद स्पाइनल मैनेजेस एट फॉरमन मैगनम मतलब ये हमारे पास ब्रेन है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है अब ये जो हमारे पास बीच में पार्ट आ रहा है ना मतलब ये सारी मैनेजेस यहाँ पर आके हमारी कनेक्ट हो रही होती हैं तो जो ब्रेन के मैनेजेस हैं वो कंटिन्यू हो रही होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के मैनेजेस से एट फॉरम एन मैगनम ये बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट एम सी क्यू है ये याद रखने का इन स्कल ड्यूरा इस फ्यूज विद पेरेम ऑफ स्कल अब याद रखने का क्या है हमारे पास स्कल में जो ड्यूरा मैटर होता है वो फ्यूज़ हो रहा होता है पेरेसियम ऑफ स्कल के साथ आगे देखें अगर एक और डेफिनेशन हम बात करें तो मैन जिस आर थ्री कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन्स दट लाइज जस्ट एक्सटर्नल टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड अब आ जाते हैं हम अपने ड्यूरा मैटर पर ड्यूरा मैटर की हमारे पास दो लेयर्स होती हैं एक होती है एंडोस्टियल ईयर एंडियल लेयर सर ये हो गया एंडोस्टियल लेर एंड मैनेजियल लेयर सही है दो लेयर्स होंगे इंडस्ट्रियल लेयर एंड मैनेजियल लेयर जो इंडस्ट्रियल लेयर होती है ये सिर्फ जस्ट कहाँ पर होगी स्कल के पास होगी हमने पढ़ा जितने भी हमारे पास मैनेजर्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्ट हुए हुए होते हैं तो जो इंडस्ट्रियल लेयर है वो स्कल से कनेक्ट हुई होगी और जो मैनेजियल लेयर है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों से कनेक्ट हुई भी होती है ठीक है ये डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा होपफुली ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स हैं एंडोस्ट्रियल लेयर और मैनेजियल लेयर जो एंडोस्ट्रियल लेयर है वो सिर्फ स्कल से कनेक्ट होती है और जो मैनेंजियल लेयर होती है वो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों से कनेक्ट हुई होगी यहां पर अब हमारे पास क्या आता है इफ चार चीजें हैं सबसे पहले है हमारे पास ड्यूरा मैटर की ही फॉक्स सेरिबलाय रीब्लाय टोरियम सेम से लाए है यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये हमारे पास गई इसकी मैनजेलियर ड्यूरा मैटर की मैनजेलियर और ये मैटर की इंडोस्ट्रेलियर प्योरास्ट्रेलियर ये सेरिबुलर फैक्स मतलब फैक्स फैक्सरिब्लाई जिसको मैं यहाँ पर ये वाले लिखा फैक्स सेरिबलाए ये फैक्सरिब्लाई और ये टेंटोरियम सेरिब्लाय ये कहाँ पर होते हैं इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन हमारे पास जो फॉक्स सेरिबलाय है वो होता है बिटवीन टू सेबरल हेमिसफियर इसको एक मिनट करते हैं ये है हमारे पास बिटवीन टू सेबरल हेमिसफियरस दो सेबरल हेमिसफेयर के दरमियान होती है फॉक्स सेरेबलाय यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक सेरिब्रल हेमिसफेयर ये रहा एक सेरिब्रल हेमिसफेर ये रहा और इन दोनों के बीच में जो लाइन जा रही है ये कल आ रही है फॉक्स फॉक्सरिब्लाय फिर आ जाए फॉक्स सेरिबलाई ये भी हमारे पास होता है दो सेबरल हेमस्फेयर्स के दरमियान जो टेंटोरियम सेरिब्लाय होता है ये होता है सेरिबरल हेमस्फेयर एंड सेरिबेलम के दरमियान सही है ये, ये हमारे पास किसके है टेंडोरियम सेब्राई सेरिब्रल हेमस्फेयर एंड सैरिबैलम के दरमियान और यहाँ पर हमारे पास अच्छा इसको मैं ज़रा आगे बताती हूँ डायफ्रेम सै हमारे पास होता है प्रेजेंट इन सेला टर्शिका सेला टर्शिका